होता नहीं, होता तोता नहीं, भीतर से होता है, बाहर आता है। आने दीजिए, फिर उस समय आंखें तो रोती हैं, नाक भी गीली होती है, सुन रहे हो, सर्दी के कारण नहीं, ये नासिका को भी आंखों के साथ देना अनिवार्य होता है। ये सब हो रहा है, होता है, बिल्कुल होता है, तोता नहीं, होता है। और ये प्रतिदिन होना होना चाहिए, होता है। मन से होना चाहिए, वचन से होना चाहिए, काय से होना चाहिए। ऊपर काय से नहीं हो सकता, मन से अकेला भी नहीं होता। जहाँ को त्रियरण शुद्ध, क्या कहा, त्रिकरण शुद्धि पूर्वक मन वचन काय के साथ करो। और भीतरी रत्न त्रय भी देख रहा है, रत्न त्रय है, और ऊपर से वह भाव प्रणाली रो रहा। अपने किए हुए कर्मों के ऊपर फूट फूट करके रोना चाहिए और समझना चाहिए कि मैंने भी ऐसा काम किए हैं, ऐसे अनर्थ किए हैं, निर्दयी हो करके किए हैं। हा दुट कया, हाँ दुट चिंती हम भाषियम च, हाँ दुट हम। यहाँ वीरा वीरीचु वीरत्वम दृश्यते, वीर लोग योद्धा लोग वीरों में ही वीरता देखते। ये महावीर की उपासना चल रही है, दूसरे के ऊपर नहीं। अपने वीरत्व क्या है दिखा दे, अज्ञान के कारण वीरत्व दिखाया था, कई व्यक्तियों को साफ कर दिया था, और थोड़े से कुछ होता है तो तू रोने लग जाता। किए हुए के ऊपर रो, ये रोना नहीं है तो प्रतिक्रमण खंडित हो जाएगा। कभी सोचा है, आधा घंटा लगता है, आधा घंटा तो लगता है, लेकिन आधा घंटा पानी आता है क्या? तो वो एक पाठ पर कहना चाहते हैं, ये समय सार का बाबा है, समय सार का ये बाबा है, क्योंकि वहीं पर ये कहा गया, पढ़ी कमनम पढ़ी हरनम पढ़ी शरणम निंदा गरहा सोई विशोही। क्या विशुद्धि को भी कहा है विश्व कुंभ, ये विशुद्धि कोई काम की नहीं है, ये सब अशुद्धि। अमय कुंभो विश्व कुंभो, ये सब बातें नहीं है, ये घटित होना चाहिए। कुंद कुंद को समझना, समय सार को समझना तो बहुत दूर की बात है, कुंद कुंद को समझना भी बहुत कठिन है। कहाँ क्या कह रहे हैं, कहाँ क्या भाव अभिव्यक्त हो रहा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस दिशा में हम सोच नहीं पाते, सम्यक दर्शन वज्र के समान है, लेकिन ध्यान रखो उस वज्र में से भी पानी फूट करके बाहर आता,
அதுக்கு காந்தமணி சந்திர காந்தமணி அதுக்கு காந்தமணி மீச அக்னி உத்மன் चंद्रकांत मुनि में से चंद्र की किरणावली पड़ते ही उसके ऊपर उसमें से शुद्ध जल उत्पन्न होकर के बहने लग जाता, झरना लग जाता। अनुकंपा कठोर भले ही हो लेकिन वह जलकांत मुनि के समान भी है, उसमें फूटना चाहिए। समय सार में ये सब बातें आ निर्णय भस्म सात क्रियाओं ऋषभनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्वयं स्तोत्र में लिखते हैं स्वामी सुमंत पत्र, निर्णय हुए बिना किसी का हनन नहीं हो सकता, लेकिन पर का हनन नहीं, अपने भावों का हनन। वर्तमान में तो भाव लहरा रहा उसको नहीं, उसका हनन नहीं। अज्ञान दशा में जो हुआ है उसके परिणाम स्वरूप जो कर्म है वह सारे सारे क्षर 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 हो जाए, अक्षर नहीं क्षर झर जाए, झड़ने का नाम है। तब इस प्रतिक्रमण का फल हमें मिलता। चक्रवर्ती छहों खंडों का सबका विजयी होने के उपरांत भी निर्वाण कल्याण के समय पर रो पड़ा यह आवश्यक था। जीवन में हमेशा हमेशा हर शिशु हो ठीक नहीं लगता। माँ घुट्टी में घुट्टी पिलाते समय या चटाते समय बच्चे को चुटकी बजाते बजाते उसको कर देते हैं, फिर इसके उपरांत वो गाल को यूज कर या केवल विशुद्धि में रहना जाए, रोना भूल न जाए। माँ को दया तब तक नहीं आती जब तक लड़का बच्चा रोता नहीं, और रोते हैं एकदम सब काम छोड़ छाड़ करके वो आ करके उसकी पूर्ति कर देती है। वो बदमाश निकला वो बदमाश निकला, माँ कम से कम हमारे प्रति कुछ रखती है क्या नहीं देखने के लिए भागती आ गई, और उसके आंखों में न पानी और न रोटी न दूध ये कुछ नहीं। अरे नष्ट कर दो, बिल्कुल बात। उसने अपने रसोई बना ली, रसोई बन करके उसको डिब्बा में रख दिया, फिर इसके उपरांत उसको ऊपर रख दिया, नहीं समझे अब वह आने दो, भूख लग गई, धीरे धीरे किसकता आया वो समझ रही है, ये नाटक कर रहा है, उसने दिया ही नहीं समझे, दिया नहीं तो अब क्या करें, माँ के सामने जाने का कोई साहस नहीं, अब रो पड़ा। अब वो समझती है अब सही रो रहा है, लेकिन जीवन पर्यंत याद रखे प्रतिक्रमण में ऐसा होता है बेटा। उत्साह पहले सर्वप्रथम प्रतिक्रम कर ले, ध्यान का समय का विधान नहीं किया, क्या उठो उठो पंच परमेश्वर को नमस्कार करो, कायस्थर करो और निद्रा को भगा दो और उठ करके अच्छे ढंग से बैठ जाओ, रोना प्रारंभ कर दो। प्रतिक्रमण आधा घंटा एक घंटा लगाया
फिर बाद में अमय कुंभो आता है सामयिक। इसके द्वारा ही हमारा यह जीवन सार्थक होता है। केवल ध्यान ही रखते, किसी को भी केवल ध्यान नहीं रखा गया। तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनके लिए भी कहा नमः सिद्धेभ्य। पंच नमस्कार मंत्र में शीर्ष पद पर आरूढ़ है, उनको याद करने के लिए तीर्थंकरों को भी कहा गया। और इसमें कमी नहीं रखना, जब तक कमी रखोगे तब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति ध्यान रखना कभी भी नहीं होगा। तीन लोक के भले तीर्थंकर होंगे तुम, किंतु ध्यान रखना कि जिस प्रकार साधना में होना चाहिए साधना, वे नहीं होते तो एक हजारों दो दो हजारों से लग सकते लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि विश्वनाथ भगवान को अंतर्मुखी केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, उन्हीं को जाकर के पूछ लो, दिव्य ध्वनि भी बताएंगे। इसलिए नमस्ते भैया बोलना अनिवार्य है। नमस्कार पहले रखो, मन वचन काय से शिरसान वंसामी, हे सिर वाले, सिरसा मुख से नहीं सब मालूम है, हाथ जोड़ ले यूं ऐसा नहीं, नारियल बना दे, ये क्या है, छाती की ओर ले आए, सिरसा नमामि। मन वचन काय तीन तीनों तो है, लेकिन भिन्न भिन्न अंगों में वे अवयव काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तमांग क्या कर रहा देख तो लो। सिरसा नमामि, सिरोधार है प्रभु, क्या आज तक अपने सिर के ऊपर कोई भार नहीं लिया था, किंतु आज 28 मूल गुणों का भार हमने लिया और उसको सुरक्षित रखते हुए सिरसा नमामि, यह प्रतिक्रम का पाठ हो गया। इसलिए इसमें रोना भी, गला खींचना भी, ये सब होना चाहिए। नहीं समझे, कल ऐसे कुछ सुनने में आया था या समझ में ऐसे ही आ रहा था, कुछ क्या क्या कह रहे थे, तो हमने कहा ये हमारे लिए नहीं है, ये सभी महाराजों के लिए और सभी चक्रवर्ती जैसे योद्धा के लिए भी है। और प्रतिक्रमण के पाठ में जो लिखा है उसका अनुकरण करना चाहिए। यदि नहीं होता है तो उस विद्यार्थी के समान अपने को अंकों को नहीं देखना चाहिए, किंतु अंक में कमियां क्या है ये भी देखना चाहिए, और ये देखे बिना काम नहीं होता। एक स्थान पर इसके बदले में हमने कहा किसका क्या रोल होना चाहिए वो जाने, किंतु मेरा क्या कर्तव्य है यही देखना चाहिए। तो उसमें भाव अभिव्यक्त हुआ है शब्दों के साथ, मेरा यहाँ क्या, मेरा यहाँ क्या है, आशीष फल रहा, मेरा यहाँ क्या, सोचो विचार करो, अपने आप को ध्याओ तो
गर्व के साथ गौरव के साथ हम सोचना प्रारंभ कर देते, मेरा यहाँ क्या आशीष फल रहा है, शीर्ष पे जा बैठूं, वहाँ पर बैठना मात्र शेष रह गया है, हमारा कुछ नहीं। ये सब बातें हैं पूर्वजों ने अपने आप को करते हुए दूसरे के लिए भी क्या किया है, इसका हम लेखा जोखा थोड़ा सा रखें, कर्तव्य का अनुपालन करें। समय आपका हो गया, इतना समय नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ क्या है ये याद भी आ गया, आपके सामने रखा। ये इतना ही है कि उनका फल सारा सारा सामान सामने आया है, आशीष फल रहा, नमस्कार फल रहा है, ऐसा नहीं कहा गया, किंतु आशीष फल रहा है। उनका तो हमेशा हमेशा स्वयं के लिए नमस्कार होते, नमस्कार नहीं फलता, वह अपना रहता है। आशीष जो होता है वह अपना नहीं होता, पूजन विज्ञानु नहीं आशीष फल जाओ, ये सिर पर रखते हैं, पूजन तो कर लिया, अंत में ये आशिका लीजियो लीली लीजियो आशिका, बड़े आदर के साथ शीश चढ़ाए, शिरोधार्य है, सिरसा नमस्कारो। बहुत अच्छा, आचार्यों ने हम लोगों को रोने के लिए भी कहा गया है, कंठ अवरुद्ध होना चाहिए, स्वार्थ के समय पर नहीं, परमार्थ के समय पर कंठ अवरुद्ध होना चाहिए, आँखों में पानी नहीं भी हो आ जाता है अवश्य। इस प्रतिक्रमण का यही चमत्कार रहता है, जो हृदय से शून्य जैसे लगते हैं कठोर हृदय वाले भी समय पर दशरथ राजा जैसे मूर्छित हो जाते हैं, और उस मूर्छा को देख करके भी कहते हैं कि आंखों में पानी नहीं आया, ये भी है, यह अप्रतिक्रमण है, यह विषकुंभ है और यह प्रतिक्रमण है, यह अमृत कुंभ है, अहिंसा पर। राजस्थान प्रांत के प्रतापगढ़ जिले की धनथरा पारसोला में 13 से 15 अक्टूबर 2024 के मध्य भव्य समारोह के साथ होने जा रहा है 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि जिन धन प्रभावक राष्ट्र गौरव शिक्षा दीक्षा सिद्धहस्त पंचम पट्टाचार्यश्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में भक्तों को मिलेगा प्रभु एवं गुरु भक्ति के साथ पुण्यार्जन करने का स्वर्णिम अवसर। कार्यक्रम स्थल आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की आचार्य पद प्रतिष्ठापन समारोह स्थली 1909